सब जानते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाते हैं। यहाँ पर ही मौजूद है चार धाम और साथ ही साथ माँ देवी के अद्भुत शक्ति पीठ। तो आज आपको हम ले चलेंगे उत्तराखंड में मौजूद शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ, जिसका नाम है सुरगुंदा देवी मंदिर। तो मैं सुजाता एंड वेलकम टू माय चैनल रोमिंग विद सुजाता पे। सबसे पहले हम बात करते हैं आप हरिद्वार से सुरगुंदा देवी के मंदिर कैसे जाएंगे। हरिद्वार से सुरगुंदा देवी मंदिर जाने का दो रास्ता है, एक है हरिद्वार से भाया देहरादून मसूरी और एक है हरिद्वार टू भाया ऋषिकेश चंबा कानाता। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी भाया चंबा रोड इज बेटर। तो दोस्तों हरिद्वार से सुरगुंदा देवी मंदिर जाने का भाया चंबा होके टोटल डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। तो दोस्तों इस रोड पर ही आपको और एक डेस्टिनेशन मिल जाएंगे, वो है कुंजोपुरी मंदिर। यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर डिस्टेंस जाने के बाद आते हैं सुरगुंदा देवी मंदिर। ये है मंदिर की फास्ट गेट, यहाँ से ही ट्रैकिंग शुरू होती है। नीचे देख सकते हो आप, बहुत छोटे छोटे दुकानें हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री खरीद सकते हो। यही से ही हम चलना शुरू करेंगे, आपको रोपवे के लिए भी थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी। एकदम खड़ा चढ़ाई है और आप अगर बाई रोड जाएंगे तो आपको 3 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। उधर सामने दिखाई दे रही है टिकट काउंटर, वहां से हम रोपवे के लिए टिकट कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टिकट काउंटर 205 पर मेंबर आना और जाना। चलिए अंदर से चलें। वो दूर दिखाई दे रही है, वो है पैदल मार्ग। ये है माँ सुरगुंदा देवी मंदिर, बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। 91 शक्ति पीठों में से एक सिद्ध पीठ है ये मंदिर। ये मंदिर सुरगुंदा पर्वत के ऊपर बना है, इसीलिए ये मंदिर का नाम सुरगुंदा देवी मंदिर। सुरगुंदा देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 3021 मीटर हाइट पे अवस्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पे माता सती का सिर के भाग गिरा था, जो कि शिला के रूप में विद्यमान है, जिसकी पूजा होती है। ये मंदिर परिसर में भगवान शिव और हनुमान जी का भी मंदिर है। नवरात्रि के समय बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माता को दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि नवरात्रों पे माँ को दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर से बहुत दूर दूर तक पहाड़ों की पीक दिखाई देती है, मगर जिस दौरान हम गए थे उस दौरान यहाँ पर बादल छाया हुआ था, इसलिए हमें कोई भी पीक दिखाई नहीं दिया। सर्दियों में यहाँ पर बर्फ गिरता है। अभी कुछ दिनों के बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर माता को पूजा देने के लिए। दोस्तों ये रही मंदिर की बैक साइड।
तो दोस्तों, सुरकुंडा देवी के मंदिर की वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलते हैं और किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।